कंगना रनौत का दफ्तर टूटने का श्रीगंगानगर से है कनेक्शन, जान लीजिए आप। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के बाद बवाल मचा हुआ है और कंगना ने इस मामले में सीधे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना का दफ्तर टूटने का राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर से भी संबंध है? आप यह बात जानकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह पूर्णतया सच है कि कंगना के दफ्तर टूटने का श्रीगंगानगर से संबंध है। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता अत्यधिक बढ़ गई है, तो आइए आपको बताते हैं कि कंगना के दफ्तर टूटने का श्रीगंगानगर से संबंध के बारे में। दरअसल कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर बीएमसी की टीम ने चलाया है और इस टीम को यह आदेश दिया है बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने। अब आपको बताते हैं कि इकबाल सिंह चहल के बारे में। इकबाल सिंह चहल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण के हालात सुधारने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के कमिश्नर के ओहदे का जिम्मा चहल को सौंपा और तब मुंबई में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। जब बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी हालात को सुधारने में नाकामयाब रहे तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी इकबाल सिंह चहल को कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया और चहल श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में 22 जनवरी 1966 को जन्मे इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इकबाल सिंह चहल कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं और चहल को कठोर निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई में एशिया की जिस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना का तेजी से संक्रमण हुआ है, वह उससे भी अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि वे धारावी झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। इकबाल सिंह चहल ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है और इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। गृह मंत्रालय से लेकर महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्रालय तक वह लंबा प्रशासनिक अनुभव हासिल कर चुके हैं और चहल की ख्याति फिजिकली फिट आईएएस अफसर के रूप में भी है। वह साल 2004 में मुंबई मैराथन की रेस में भी हिस्सा ले रहे हैं और वह योग में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।